हेलो की हाल पापियो हाय हाँ यार आई एम ऑल गुड वेरी वेल थैंक यू सो मच यार एक्चुअली क्या है ना कि आपके फ्रेंड ठीक है नॉट रियली really, यार मतलब वही सब चल रहा है यार कल से आई डोंट नो इतने सारे फोन आ रहे हैं ना सबका कुछ ना कुछ किसी का प्लाज्मा का किसी का रेमडिसिविर का वही चल रहा है यार मतलब थिंग्स आर रियली मेसी आउटसाइड यार बहुत ही बुरी हालत है पीपल आर एक्चुअली फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस यार मतलब टू फाइंड आउट सोर्सेज फॉर ऑल दीज थिंग्स तो थोड़ा प्रॉब्लम ही चल रहा है तो वो सभी यार फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसी के कुछ है लाइक आई हैव समन नोन हु इज रियली सीरियस इन देवास दन इन दैली देन कपल ऑफ पीपल इन पुणे और uh, मतलब ट्राइड एवरी बेट यार वी स्पोकन टू लॉड ऑफ डॉक्टर्स और काफी कुछ किया बट uh, कुछ है ही नहीं पा रहा है मतलब बहुत ही ज़्यादा आई डोंट नो बहुत अनऑर्गेनाइज है यार चीज़ है मतलब मेरे को लग रहा था कि ठीक है थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉब्लम बट एट दी एंड इट शुड बी अरेंजड बट दि इज नो प्रॉपर डेटा बेस विच इज मेनटेन्ड गवर्नमेंट के पास ये भी रिकॉर्ड नहीं है कि uh, यू you नो know, कितने लोगों ने एक्चुअली प्लाज्मा डोनेट किया है कितने लोगों से आप ले सकते हो जबकि दिस इज़ वेरी सिंपल मतलब इतना सेंट्रलाइज हो सकता है ना एवरी वन इज़ आरोग्य सेतु एवरी वन इज़ आधार बिकॉज जो कोविड जिसको हुआ है उसके पास आधार है ही है इट्स कंपल्सरी तो इतना प्रॉपर तरीके से डेटा बेस मैंटेन हो सकता था बट वेरी अनऑर्गेनाइज यार हाँ ना तो अभी मैं एक्चुअली इसलिए थोड़ा एक पाँच दस मिनट आगे पीछे जस्ट टॉकिंग टू मुस्कान मैम ओनली शी लॉस्ट हर कजिन यस तो वी जस्ट वो ही बोल रही थी कि वहाँ पर सब इतना मिसमैनेज है कि यू नो बिकॉज ऑफ दैट इट्स हार्ड टू बिलीव यार मतलब सो टफ फॉर एनी जब आप ये देखते हो कि योर नर इंडिया वन दे लूज लाइफ देर स्ट्रगलिंग विथ लाइफ यार पता ये वेरी बैड यार अरे रे चलो एनीवे anyway, अपन लोग पढ़ लेते हैं हाँ सो so, मिनिस्टर्स के नाम आपको बता देता हूँ पहले लास्ट तीन नाम है ना थैंकफुली एटलीस्ट ये खत्म हो गए और इसके बाद पोर्शन आगे लेके चलते हैं हाँ जी सो so, पहला रामेश्वर तेली रामेश्वर तेली इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है ना सो फर्स्ट नेम इज रामेश्वर तेली फूड प्रोसेसिंग सेकेंड प्रताप चंद्र सारंगी है ना प्रताप सारंगी आ, इनके पास दो मिनिस्ट्रीज हैं सो so, बेसिकली एमएसएमई है और दूसरा एनिमल हजबेंड्री डेयरिंग और फिशरीज है सो so, प्रताप सारंगी एमएसएमई एंड बेसिकली फिशरीज राइट एनिमल हजबेंड्री डेरिंग और फिशरीज ये दो इंडस्ट्रीज बेसिकली प्रताप सारंगी के पास है रामेश्वर तेली हैज गॉट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड थर्ड कैलाश चौधरी इज गॉट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ये तो पता नहीं क्या कर रहे भाई एग्रीकल्चर वाले मिनिस्टर्स क्या ही कर रहे हैं इतना कुछ हो गया पंजाब में हरियाणा में बट पता नहीं कुछ अभी तक देव नॉट रियली कम टू तो कंसेंशनस कोई सेटलमेंट ही नहीं आ पाया सो ही इज गॉट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एट स्टेट ये तीन मिनिस्टर्स हैं बेसिकली uh, रामेश्वर तेली फूड प्रोसेसिंग उसके बाद प्रताप सारंगी एमएसएमई एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरिंग एंड थर्ड इज़ कैलाश चौधरी इज गॉट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है ना सो so, ये तीन मिनिस्टर्स हैं Let's jump on to chapter number one. कल हम लोगों ने कुछ लीडर्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने बिजनेस लीडर्स के बारे में पढ़ा था जहां पे भी स्टार्टेड विद मुकेश अंबानी गोइंग टू अजीम प्रेम जी कुमार एंड ऑन्ट्रप्रोर्स है इन द लिस्ट राइट सो ये सारे सारे आपके बिजनेस लीडर्स थे कल जो अपन थे आज जो अपन लोग देख रहे हैं अब ये सब आपके Uh, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स हैं एक्चुअली दो ही कई नाम दिया हुआ है यहां पर बट ये दोनों पॉलिटिकल लीडर्स हैं राइट देअ नथिंग टू डू डू बिजनेस इज सच और क्या बोल रहे हैं लाइक एस वी लर्न प्रीवियसली या सेम ही है स्टेट है ना सर पहले आपने जो पढ़ा था कैबिनेट थी अभी आप जो पढ़ रहे थे वो स्टेट मिनिस्ट्री है चलो सो so, नरेंद्र मोदी खैर अब ये पैराग्राफ आप नहीं भी पढ़ोगे तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन मतलब ये आपको पता ही है

वेरी राइटियस एंड वेरी पॉपुलर गोधरा इवेंट दैट मतलब सो उस वक्त uh, पूरा वो गोधरा का इंस्टेंस हुआ था uh, कभी पढ़ो तो आपका दिल देख जाएगा मतलब इतना कुछ हो गया सो ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एट दैट टाइम बहुत सारे एलिगेशन लगे थे दैट ही वॉज पोलिटिकली इन्वॉल्व इन ऑल दी इन दी एंटायर कॉन्स्टिप्य आई डोट नो वॉट इज राइट वॉट इज रॉन्ग पर देर एव बिन जजमेंट वेर ही पहले लीडर है आपके नरेंद्र मोदी दूसरा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात की हुई अनफॉर्चुनेटली नाउ इट डेक सेंस टू रीड अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प बट यहां पर जो चेंज आएगा ना ये आपको मंथली अपडेट्स में दिया हुआ है ना सो so, ये बस एक बार रन थ्रू करना है आपको बट ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट जो बाइडन हैज बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका राइट सो जो आपके मंथली अपडेट्स है उस उसके बारे में बात की हुई है बट यहां पर तो खैर क्योंकि ये पुराना आपका सब कुछ स्टडी मटेरियल था राइट right? तो यहाँ पे अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ही है बट इट्स जो बाइडन राइट सो क्या है बेसिकली ग्रेजुएट फ्रॉम वॉटन स्कूल ऑफ फाइनेंस है ना सो ही बेसिकली ग्रेजुएटेड फ्रॉम वॉटन, एंड ट्रंप का अगर आप ऐसे देखोगे तो ठीक है मतलब यूएस प्रेसिडेंसी एक तरफ है बट इज इक्वली पॉपुलर फॉर हिज वेंचर्स इन रियल स्टेट राइट ट्रंप बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप इज एंटायरली इन टू रियल स्टेट सो ट्रंप टावर्स के नाम से दे डू लॉट ऑफ थिंग्स इन यू एस इंडिया में भी दे हैव जैसे मैं पुणे की अगर बात करूँ सो टाइड अप विद वन ऑफ द वेरी पॉपुलर बिल्डर्स हिया पंचील के साथ टाइप किया देव डिवेप ट्रम्प टावर्स हेयर इज वेल सो बहुत ही एक्सट्रीम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन बेसिकली ट्रम्प ग्रुप इस करता है राइट right? सो so, इनका मेन बिजनेस अगर आप देखोगे इज रियल स्टेट पोलिटिक्स वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ द जर्नी बट अगर आप वेंचर की बात करते हो तो वो रियल इस्टेट है अच्छा ड्यूरिंग हिज प्रेजिडेंसी आपने ऐसे दिखा होगा मतलब हीज बीन फाउंड वेरी अग्रेसिव मीडिया फॉर लॉड ऑफ थिंग्स अ लॉड ऑफ टाइम्स पर्टिक्यूल टू ट्रेड वॉर विथ चाइना ही केम अप वेरी ओपनली और उन्होंने बिल्कुल ओपन एलिगेशन लगाई इवन लाइक कोविड जब स्टार्ट हुआ था तो ही वॉज द फर्स्ट लीडर जिसने ओपन एलिगेश लगाए थे कि भाई दिस इज आर्टिफिशली क्रिएटेड बाई चाइना इन द लैब्स ऑफ चाइना वह हान सो इन्वेस्टिगेशन भी हो बट एनी वे चाइना के एम क्लीन चिट फ्रॉम दैट इज वेल तो बहुत सारे कुछ 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 इनके वो पंगे चल रहे थे अच्छा फिर वो जो ब्लैक वाइट के बहुत बड़े राइड्स हो गए थे यूएस में राइट बिकॉज अ ब्लैक वॉज स्किल्ड बाई अ वाइट पुलिसमैन सो उसके बाद जो राइड्स हुए दट ऑल्सो हैपन ड्यूरिंग हिस्स टर्म इनकेट एन योर में ही हुए थे राइट सो बट ट्रम्प की एक अगर आप पॉजिटिव साइड देखते हो ना तो फ्रॉम डे वन ही इज फोकस्ड ऑन यू नो डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका मतलब सर्विसेज में तो लोग बहुत आगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में लोग बहुत आगे रिसर्च में यूएस बहुत आगे इनफैक्ट नंबर वन इन द वर्ल्ड सो ही वॉन्टेड टू लाइक सेटअप गुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन यूएसए बट अगेन दे हैव अ लॉट ऑफ लिमिटेशन ऑफ दे रोन मैन पावर इज टू एक्सपेंसिव देर सो ऑब्वियसली यू कॉरपोरेशन बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है कि वो पूरा यू में कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप स्टार्ट करेंगे बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय इज टू हाई जो आप इंडिया चाइना वियतनाम अगर ऐसी कंट्रीज में देखते हो तो इट इज लाइक वन टेंथ ऑफ वट्स बींग पेड इन द यूएस सो बहुत कोशिश की बट एनी वे दैट वॉज अ कंप्लीट फेलियर अब अगर आप बाइडन का देखते हो तो बाइडन का एग्जैक्ट ऑपोजिट नेचर एग्जैक्ट ऑपोजिट बिहेवियर है ट्रंप वॉज वेरी अग्रेसिव ही ॉइड ऑफ यू एस मिलिट्री इन अ लॉट ऑफ गल्फ नेशन राइट अफगानिस्तान बाइडन का अगर आपने बहुत रिसेंटली अभी स्टेटमेंट पढ़ा होगा वाइट हाउस से रिलीज किया था एक पांच सात दिन पहली जहां पर ही सेंग दैट वी विल बी विड्रॉइंग द एंटायर यू एस ट्रूप्स मतलब यू एस मिलिट्री हम लोग अब डिप्लॉय करेंगे फ्रॉम अफगानिस्तान सब हटा लेंगे सो ऑब्वियसली दैट इंक्रीज फियर्स फॉर इंडिया इज वेल कि तालिबान वापस से फिर एक्टिव हो जाएगा फिर से टेररिस्ट अटैक स्टार्ट हो जाएंगे टेररिस्ट एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएगी सो so, जब तक यूएस ट्रूप्स वहां पर थी एटलीस्ट चीजें कंट्रोल में थी तो so, इंडिया के लिए डिप्लोमैटिकली बहुत सही कॉल नहीं था वो बट दे सेट दैट आफ्टर नाइन इलेवन दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यूएस एक्चुअली विल बी विड्रॉइंग द ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान तो चाइना वायरस बोला था हाँ हाँ जी तो देखो जरा प्रेसिडेंट ट्रंप इज वर्किंग हार्ड टू इंप्लीमेंट हिज अमेरिका फर्स्ट प्लेटफॉर्म है ना मतलब हर जगह ब्रिंग अमेरिका फर्स्ट सबसे पहली प्रेफरेंस अमेरिकन को दो उसके लिए भी उन्होंने काफी काम किया काफी इनिशिएटिव ले अनफॉर्चुनेटली वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल बट ही ट्राइड इज वेज बेस्ट हाँ जी अब देखो आगे नेक्स्ट बिजनेस पर्सनैलिटीज एंड लीडर्स इन न्यूज हाउडी मोदी इवेंट विच हैपन इन यूएस बहुत ही पॉपुलर इवेंट हुआ यार ये <coughs> मतलब uh, खैर आप लोगों ने टीवी में इसका अंश जरूर देखा होगा लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल है वो हज़ारों हजारों लोग बैठे हुए थे वहां पर एंड इवन ट्रम्प वॉ सरप्राइज है मतलब अब जैसे अपने आ, इंडिया के लीडर्स तो क्या अपन लोग कहीं पे भी किधर भी घुस जाते हैं अभी वो एक इंस्टाग्राम पे एक वो पिक्चर बहुत वायरल हो रहा है ना कि बंगाल में जो चुनाव प्रचार चल रहे हैं सो दिस दिस मैन जो किसी ओपन शेड में नहा रहा है उसने पूरे शरीर पे साबुन लगाया हुआ है वो मिनिस्टर जाता है वहां पर हाथ पाथ जोड़ता है कि भाई हमको ही वोट देना और वो दोनों एक फोटो क्लिक करते हैं कि नहाते हुए इंसान तक हम लोग पहुंच गए हमारी पार्टी पहुंच गई चुनाव प्रचार वो इंस्टाग्राम पे भी बहुत वायरल हो रहा है तो इंडिया में अपन लोग सोचते ही नहीं है लाइक ये बड़े बड़े लीडर्स है कहीं पर भी क्राउड में घुस जाएंगे लोगों से मिलने लगेंगे हाथ हाथ मिलाते रहते हैं ये सब चलता रहता है अपने आप पे तो बहुत ही ओपन है राइट यूएस में ऑब्वियसली इनके सिक्योरिटी नॉर्म्स इतने ज्यादा होते हैं कि फगेट अबाउट गोइंग दैट साइड मतलब उनके आसपास भी नहीं भटकते उनकी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग होती है तो वो जब इवेंट भी हुआ था तो मोदी जी तो अपने मस्त है कुछ उनको फर्क ही नहीं पड़ता वो तो है हर हर मोदे जय जय मोदे जय इंडिया जय इंडिया इंडिया अमेरिका इंडिया अमेरिका वो करते 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 और वो तो बीच में पहुंच गए और वो उसमें भी ट्रंप का हाथ पकड़ के कि भाई मैं भी जा रहा हूँ तुम भी चलो मेरे बेचारा इतना नर्वस हो गया था इतना घबरा गया था कि कर क्या रहे मोदी मतलब सबके बीच में मेरे को लेके जा रहा है तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मतलब इंडियन लीडर्स में पर्टिकुलरली अमेरिकन और यूएस सिटीजन अगर आप बात करो ना तो कंपेरेटिवली थोड़े डरते हैं लोग मतलब द वेरी फ्यर्सी अबाउट ऑल दीज थिंग्स पब्लिक अपियरेंस बोलो आप या इतनी कनेक्टिविटी बोलो नहीं इतने कंफर्टेबल होते राइट वो मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत है अब जैसे अपने आप वहां पे कभी किसी ने पुलिस ने पकड़ लिया आपको तो इट इज अ स्ट्रिक्ट रूल पीछे से पुलिस विल हैव दैट गन राइट पुलिस के पास और दिल जस्ट टेल यू टू स्टॉप द कार कार रोकेंगे और आपको कार से बाहर नहीं, नहीं आना है मतलब आपके हाथ स्टेयरिंग पे और अगर इफ दे टेल यू टू तो रेज यू हैंड तो आपके हाथ ऐसे ही और बस ऐसे ही बैठना है अगर आपने थोड़ी सी भी मस्ती की गेट खोला कार से बाहर है शूट इमीडिएटली शूट तो वहां पे वैसा इंडिया में मतलब ऐसा हो ही नहीं एक तो अपने आप पुलिस वालों के पास बंदूक नहीं रहती सबसे बड़ी बात उधर डंडा लगे डंडा फेंकते वहीं से दूर से तो पहला तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है अच्छा फिर सेकेंड अपने यहां तो जैसे ही किसी ने रोका पहले तो अपन रुकते ही नहीं है मतलब वो पुलिस वाले का काम है कि आपको चेस करके आपकी गाड़ी के आगे गाड़ी लेके आएगा गाड़ी ऐसे टेढ़ी करेगा बिल्कुल सिंगम स्टाइल में और फिर आप रुकोगे तब तक तो अपने को रुकने का समझ में ही नहीं आता है, है ना तो आ, वो तो सवाल ही नहीं है फिर वो रुकेगा अच्छा फिर उसने रुक दिया फिर अपन थोड़ी देर टसेंट दिखाते ए, जानता नहीं है मैं किसकी औलाद हूं किसको रोक लिया अच्छा किसकी है मैं मेरे बाप की औलाद हूं मेरा बाप ओरिजिनल ओरिजिनल तेरे जैसा नहीं सिंगल बाप सिंगल पीस आप बोलते हो तो इसमें क्या नया किया बाहर निकल गए अच्छा हाथ नहीं लगाने का जानता नहीं तो मैं किसकी औलाद हूं गाड़ी भी मेरी नहीं है भाड़े की है लेकिन है अपनी पूरा तीन सौ रुपए घंटे का किराया देके लेके आया हूं मैं रोकने का नहीं फिर आप टन में बाहर आते हो और उसके बाद फिर दो चार फोन लगाते हो मतलब दो सौ रुपये के लिए अपन इतनी इज्जत गवा लेते हैं एक डेढ़ घंटा वेस्ट कर लेते हैं अपन लोग सब टाइम पास हो जाता है यू एस नथिंग मतलब दिल कम वहीं पर आपको रुकना है आपसे पूछेगा नहीं दिल आज पा यू आई आपसे आई लेंगे चुपचाप आई डी देना नहीं दी तो उधर ही उनके पास हर चीज के राइट्स हैं तो आईडी दे देना आपका नाम देखेगा और आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा सिंपल मतलब कुछ करना ही नहीं है आपको कुछ भी नहीं है बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है अपने यहां पे फोन कॉन्टैक्ट्स और यहां पे हर आदमी बढ़ा है हर आदमी के चार कनेक्ट है आप देखना जब जब भी दो लोग झगड़ा करते हैं ना वो अपनी हैसियत के बेसिस पे झगड़ा नहीं करते मेरा आपका झगड़ा हो गया तू जानता नहीं मैं कौन हूं सामने तू भी नहीं जानता मैं कौन हूं अच्छा दोनों किसी तीसरे के टेशन में हवा दिखा रहे हैं यहां पर ना नहीं तेरे अंदर दम है ना ही मेरे अंदर दम है नहीं मैं हाथ उठा रहा हूं नहीं तू हाथ उठा रहा है दोनों एकदम शांति से बैठे हाथ नहीं उठाएंगे भाई अगेंस्ट है हम तो बहुत ही अहिंसावाद लोग है हम हिंसा पसंद ही नहीं करते हम तो सब गांधीवादी लोग हैं गाली गलौज फुल करेंगे लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे तो दोनों बिल्कुल हाथ पीछे करके खड़े रहते हैं हाथ नहीं उठाएंगे और किसी तीसरे उसको मालूम भी नहीं वो जानता भी नहीं आप दोनों को फोन लगाओगे तो पच्चीस मिनट पहले समझेगा अच्छा आप बिहार रहते ओह अच्छा आप क्या करते हो अच्छा अब इनकी बेल्ट ओह अच्छा अच्छा आप मुझे जानते हैं ओह बट मैं तो आपको नहीं जानता आप कैसे मेरे को फोन कर रहे हैं चलो फोन रखो इसके बाद कभी फ़ोन मत करना ब्लॉक तो अपन ऐसे आदमी के नाम पे टैसन दिखा रहे हैं जो अपने को जानता पहचानता तक नहीं है तो ये भारत की सच्चाई है ना तो बहुत डिफरेंस है तो वहां पे बेचारे अपने जो ट्रम्प साहब है बहुत घबरावे यारे मोदी जी क्या कर रहे हैं ये मेरे को क्राउड आउट के बीच में लेके जा रहे हैं बट इट वाज अ वेरी गुड पॉलिटिकल स्टंट मतलब यू विल एक्चुअली फाइंड लॉट ऑफ इंडियन अमेरिकन स्टेइंग इन द यूएस तो वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वहां एक पर्टिकुलर परसेंटेज में वोट बैंक है और ऑब्वियसली मोदी जी का इंफ्लुएंस मतलब जितना इंडिया में नहीं इतना इंडिया के बाहर है मतलब ही इज काइंड ऑफ बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंट्री मतलब लोग और जहां जाते हैं यार आप उनकी पॉपुलैरिटी देखना मतलब इतना क्रेज मैंने आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर का नहीं देखा आप नेहरू जी की बात कर लो आप इंदिरा गांधी की बात कर लो सोशल मीडिया का सही यूज क्या होता है ना आई थिंक मोदी जी जानते मतलब जेनुनली कहीं उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ लिया ना तो उसका भी सोशल मीडिया पर कोई गठन होगा कि हाथ आज ऐसे ही क्यों जोड़े कभी उन्होंने ऐसे कर लिया ना तो उसका भी एक राइटअप आ जाएगा कि आज ऐसे क्यों किया हाथ क्यों नहीं जोड़े कभी कोई मतलब वो एक लाइन कुछ उनकी लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं ना तो उसके ऊपर भी बहुत सारा वो हंगामा क्रिएट करते जबरदस्त आदमी है मतलब सेलिंग क्या होती है ना आई थिंक यू शुड लर्न फ्रॉम मोदी जी मतलब प्योर सेंस में उनको एग्जैक्टली exactly पता है कि कहां पर किस इंसान को किस तरीके से हिट करना हिट करना मतलब इमोशनली कैसे हिट करना ब्रिलियंट है यार ब्रिलियंट है आदमी मतलब यू शुड लर्न फ्रॉम हिज लीडरशिप है तो बहुत अच्छा इवेंट था अनफॉर्चुनेटली ट्रंप लॉस्ट द इलेक्शन बट वो पोलिटिकली बहुत अच्छा मूव था <clears throat> यहाँ तो नेता लोगों को ही थप्पड़ पड़ जाता है पब्लिक से इवन पुलिस कांड कह है नहीं नहीं बट दैट स्टार्टेड फ्रॉम यूएस है बुश को सबसे पहले जूता मारा था उसके बाद फिर अपने यहाँ पे लोगों ने सेम ट्रेंड फॉलो किया बट सबसे पहले यूएस था इस मामले में हाँ एक्टिव वेरी एक्टिव भाई मतलब आप मेरे को मैसेज करो पंद्रह मिनट बाद रिप्लाई आएगा मोदी जी को मैसेज करो पांच सेकंड बाद रिप्लाई आएगा वेरी एक्टिव हाँ अब मैसेज करने में जाना है टेस्ट करने के नहीं नहीं सर मैंने मैसेज किया देखो दस सेकंड हो गए सर अभी तक रिप्लाई नहीं आया हाँ चलो हाँ जी सो देखते हैं सर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ट्रम्प द स्टेज एट ऑफ हाउडी मोदी इवेंट इन होसान इन ऑन ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेम्बर टू थाउजेंड एट एनआरजी स्टेडियम होसन राइट सो बेसिकली इस दिन उन्होंने इवेंट किया बाईस सेप्टेम्बर दो को द इवेंट शो के द हाइट एंड फ्रेंडशिप एंड वाम बिटवीन द लीडर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया राइट अब आप एक्चुअली बोल सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बिकज़ चाइना यार मुझे लगता है ना चाइना इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपर थू पसंद नहीं मेरे को बिल्कुल भी बट द वे दे द्रैटेजाइज थिंग्स इज क्रेजी यार और अभी खैर बहुत रिसेंट आपने पढ़ाई होगा ना चाइना रशिया सो देव ज्वाइंट हैंड्स एवरी वेर हाँ मिलिट्री से लेके तो टेक्नोलॉजी हर जगह चाइना रशिया ने देव शोन देअर डीप एंड फ्रेंडशिप और सबसे सारा कोई अफेक्ट होगा ना इसमें इंडिया चाइना के साथ अपने रिलेशन अच्छे नहीं है रशिया के साथ अपने रिलेशन बहुत अच्छे हैं बट रशिया चाइना टाई अप कर रहे हैं उसके बाद इंडिया के यूएस से बहुत अच्छे रिलेशन है जो रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं है तो रशिया बैकआउट करता है और अमेरिका से बड़ी डिप्लोमेट कंट्री नहीं है जब साथ देना है हमेशा पीछे हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसमें अगर किसी को है ना इंडिया और आप ज्योग्राफिकली भी देखोगे तो रशिया अपने ऊपर चाइना अपने ईस्ट साइड में तो बड़ा ही खतरनाक मामला है यार वो बहुत ही रिस्की है तो नॉट गुड फॉर इंडिया पर देव ओपनली अक्लेम्ड क्लेम्ड देव स्टार्टेड अ क्लेमिंग कि भाई वी विल कम टुगेदर और दोनों का एम एक ही है यूएस और चाइना यार मतलब टेक्नोलॉजी में आगे मिलिट्री में आगे है डिफेंस में आगे है उसके बाद रिसर्च में बहुत आगे है पैसे के टर्म्स में बहुत आगे है इकोनॉमी वाइज तो आई थिंक दैट वाज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच शोड पॉजिटिव जीडीपी पॉजिटिव जीडीपी छोड़ो जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड की थी उससे ज़्यादा ग्रोथ चाइना ने रजिस्टर की ड्यूरिंग मतलब लास्ट ईयर जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो बहुत डेंजर लोग है बाबा बोलो चलो आगे देखो नेक्स्ट राजनाथ सिंह बिकम्स फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर टू फ्लाई एलसीए तेजस तो आपके जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो आपके फाइटर जेट्स होते हैं तो राजनाथ सिंह ने फाइटर जेट चलाया और कितनी देर चलाया तीस मिनट है ना मिनट इन्होंने फाइटर जेट चलाया और बस ही इसमें इतना ही ध्यान रखना और कौन सा फाइटर जेट चलाया तेजस है ना तेजस चलाया इन्होंने तीस मिनट हा एंड वॉज बेसिकली अ बाय एयर वाइस मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी है ना तो ये बेसिकली उनके साथ थे अब तो चाइना थ्रू में केस ही नहीं निकल रहे हैं हम्म कुछ भी नहीं है भाई उधर लास्ट ईयर जो तूफान आया वो टाइम पे उन्होंने मोदी जी को सीरियसली मैसेजेस किए थे रिगार्डिंग हमारी फ्रेंड मिसिंग थी और कोई रिप्लाई नहीं आया हाँ वो तो काम का है ना उसमें मोदी जी रिप्लाई नहीं करते नो गीता गोपीनाथ से चाइनाजी पी फाइव परसेंट टू एट परसेंट ड्यूरिंग पेंडेमिक बहुत मैनिपुलेटिव लोग हैं भाई कुछ भी कर सकते हैं वेरी डेंजरस आगे देखो कमर्शियल रोल आउट ऑफ जियो फाइबर बाय मुकेश अंबानी अच्छा ये तो खैर अपने को सभी को पता है जियो आ रहा है थोड़ा सा स्लो स्लो आ रहा है अभी तो पुणे में बहुत सारे मेजर एरियाज में तो आया ही नहीं है बट जियो फाइबर आ रहा है इसके आने के बाद इंटरनेट की दुनिया और सुधर जाएगी अगले साल ईलॉन मस्का भी इंटरनेट यहाँ पर आ रहा है नाम मूलिया मस्क पता नहीं क्या नाम था तो वो भी आ रहा है तो थैंकफुली मेरे को लगता है कि ये मोबाइल नेटवर्क का भी कुछ करना चाहिए भाई बहुत त्रास है यार फोन ही नहीं लगता फ़ोन किसी का आया तो बात ही नहीं होती एक बार में बहुत तकलीफ है कुछ करना चाहिए भाई इस टर्म्स में तो भारत में बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है इंटरनेट भी अपने आप पर इतना मरा हुआ है ना तो एक दो सर्विसेज से ठीक ठाक चलती है बाकी तो बहुत प्रॉब्लम है सारा हाँ जी सो जियो गीगा फाइबर renamed नेम जियो फाइबर हैज स्टार्टेड कमर्शियल एक्टिविटीज इन इंडिया फ्रॉम September फाइव टू The नाइनटीन द अनाउंसमेंट इज मेड ऑन ट्वेल्थ ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड नाइन मुकेश अंबानी चेयरमैन ऑफ रिलायंस उनकी जो एजीएम हुई थी बारह ऑगस्ट को उसमें उन्होंने इसके बारे में अनाउंसमेंट किया था जियो फाइबर के बारे में अनाउंसमेंट किया था है ना तो बस इसमें बाकी कुछ ऐसा पढ़ने जैसा नहीं है या नेक्स्ट हेड देखिए बुक्स एंड देयर ऑथर्स ये पढ़ो ये इंपॉर्टेंट है हाँ जी सो so, कौन कौन सी किताबें कौन कौन से ऑथर्स ने लिखी लेट्स रीड अबाउट दिस ना <coughs> कर्मयोद्ध ग्रंथ किसके ऊपर लिखी है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लिखी हुई है है ना तो दिस इज इंफ्लुएंसड बाय द रेजोल्यूशन टेकन बाय पंडित दीनदयाल है ना किसके बारे में बात करें आयुष्मान योजना राइट आयुष्मान योजना जैसे आपने देखा ही है ना मोदी जी अभी हेल्थ के बारे में आयुर्वेद के बारे में योग के बारे में काफी सारी चीजें उनके बारे में बात करते रहते हैं सो दिस बुक इज ऑल अबाउट दैट कर्मयोद्ध ग्रंथ है ना मतलब आप अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ के साथ किस तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो राइट इज बेसिकली कर्मयोद्ध ग्रंथ दिस बुक वॉज रिलीज बाय अमित शाह होम मिनिस्टर अमित शाह ये दोनों ना मोटा भाई छोटा भाई दोनों ही सब खेल लेते हैं इनको बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है उधर गए तो दीदी का बैंड बजा के आ गए ऊपर गए तो यूपी में पूरे सब यादव फैमिली की हवा निकाल के आ गए महाराष्ट्र uh, में आए तो इधर एनसीपी शिवसेना को एक साइड खड़ा कर दिया इन्होंने तो बड़ी डेंजर टाइप के लोग हैं यार बहुत ही गेमबाज लोग हैं भाई हाँ जी सो अमित शाह ने रिलीज की एंड दिस बुक बेसिकली टॉक्स अबाउट द यू नो द अदर साइड ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी जहां पे वो योग और आयुर्वेद के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं और कब रिलीज हुई थी सात जनवरी दो को रिलीज हुई थी है ना कब रिलीज हुई सात जनवरी दो को टर्ब्य ट्रायम्प आई गॉट टू स्पीक टू दिस फ्रेंड ऑफ आइन अभी तीन चार दिन पहले उससे मैं मिला तो उसने बुक पढ़ी है टर्ब्यूलेंस एंड ट्रायम्प तो वो बता रहा था खैर मैं तो मतलब अपने को इस टाइप की बुक्स तो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग नहीं रहता हूँ मैं कभी भी बट ही वॉज टेलिंग मे दर इट्स अ वेरी नाइस बुक तो उसमें पूरी यहाँ पर मोदी जी की पूरी पोलिटिकल हिस्ट्री पूरी लाइफ हिस्ट्री बताई हुई है कि राइट फ्रॉम ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर इनफैक्ट उसके पहले भी आर एस एस के Uh, जब वो एक कार्यकर्ता थे वहां से लेके तो हाउ ही इज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री राइट वहां तक पूरी की पूरी उनकी लाइफ हिस्ट्री बताई हुई देखो जरा अ पिक्टोरियल बुक ट्रेस इज द जर्नी ऑफ नरेंद्र मोदी फ्रॉम इज डेज एज अ यंग बॉय फ्रॉम वर्नगर इन गुजरात टू न्यू दिल्ली सेवन लोक कल्याण मार्ग एज द फोर्टींथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसके ऊपर ये बुक है टर्ब्यूल्स एंड ट्राइम है कि पब्लिश किसने किया ना ओम बुक्स इंटरनेशनल हाँ जी चलो इट्स अ पिक्टोरियल बुक या सावरकर इनके बारे में आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा ऑल दो मेरे को ऐसा लगता है कि यू uh, नो you know, इनके बारे में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जो एक्चुअली इट शुड हैव बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली वी नेवर गॉट टू रीड अबाउट इट और पता नहीं जब भी ये टॉपिक आता है मेरे को हमेशा ऐसा लगता है यार अपने यार जो स्कूल में अपने को पढ़ाया ना अपने को सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया है यार मतलब क्या सेंस था उसका uh, मुगल भारत के नीचे ना पर पूरी हिस्ट्री मैं तो पूरी मेडिवल हिस्ट्री मैंने मुगल्स के बारे में पढ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री पूरी ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ी है एंशंट हिस्ट्री में जरूर अपना मेंशन है राइट right? हम लोगों ने अशोका के बारे में बात की बाकी हमारे कल्चर के बारे में बात की मतलब मराठाओं का मैंशन ही नहीं है राजपूतों का मेंशन ही नहीं है तो एक्चुअली मैं अपने को जो हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए थी अपने को मराठा के बारे में पढ़ानी चाहिए अपने को राजपूतों के बारे में पढ़ानी चाहिए थी मतलब दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच फॉर दिस कंट्री और ऑनेस्टली मतलब ब्रिटिशर्स तो खैर बाद में आए बहुत लेकिन अपन लोग कभी आ, मुगलों से ही आजाद नहीं हो पाते इतना ज्यादा उन्होंने भारत को कैप्चर कर रखा था तो ये तो एक्चुअली राजपूत थे ये मराठा थे जो बिल्कुल आ, ये फाइटर्स थे बेसिकली वॉरियर्स थे सारे के सारे लोग इनकी वजह से वी कुड एक्चुअली टेक बर्थ इन इंडिपेंडेंट इंडिया अदरवाइज अपनी भी सेम हालत होती तो अपन लोगों ने हिस्ट्री में क्या पढ़ा अपने सिर्फ मुगलों अकबर बाबर औरंगजेब फिर आपके ये Uh, uh, सब यही लीडर्स हैं शाहजहां इन्हीं के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा है बहादुर शाह जफर मतलब इन्हीं के बारे में आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री निकल गई मेरे को तो याद ही मैंने कभी मराठा के बारे में पढ़ा ये तो अब क्या हुआ इवेंचुअली जब आपने ये सब मूवीज देखी और मेरे को थोड़ा ये सब हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करना मेरे को बहुत पसंद है तो जब ये सब देखा ना तब फर्स्ट टाइम अपने को रियलाइज हुआ कि मतलब इंडिया का साइड भी हिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट और कितना इंटरेस्टिंग है लेकिन कभी पढ़ाया ही नहीं अपने को ये सब चीज़ें हाँ ना अब जैसे शिवाजी महाराज के बारे में मतलब पूरे देश को पता होना चाहिए अच्छा महाराष्ट्र में भगवान मानते लोग लेकिन बाकी लोगों को पता ही नहीं कि शिवाजी महाराज का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है पेशवा ने क्या किया तो किसी को पता ही नहीं यार इन लोगों के बारे में मतलब पता होना ये तो आप ठीक है थोड़ा बहुत जो मूवीज़ देखते हैं ना अपन लोग ये सारी की सारी तो उससे थोड़ा थोड़ा अपने को हिंट लगता है बाजीराव मस्तानी आपने देखी होगी तो आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में शायद रिसर्च कर लिया होगा हल्का फुल्का पढ़ लिया होगा बाकी अदरवाइज वी वी नॉट इवन रेड अबाउट ऑल दीज पीपल राइट तो यही अगेन एक जो बहुत एक हीरो इंडियन हिस्ट्री के बट ही वॉज नेवर स्पेसिफिकली कवर्ड एनी वेयर राइट इज बेसिकली विनायक दामोदर सावरकर राइट right? वीर सावरकर हाँ जी देरा द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द टू वॉल्यूम सीरीज कवर्स द लाइफ ऑफ विनायक दामोदर सावरकर इट एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन्स द इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज बर्थ इन एटीन एटी थ्री टू हिज कंडीशनल रिलीज टू रत्नागिरी इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर द यूनिकनेस ऑफ द न्यू बुक इज द हिस्टोरियन विक्रम संपत ब्रॉट आउट द ऑफन मिस्ड आस्पेक्ट ऑफ पोलिटिशियन विनायक दामोदर सावरकर लाइफ एंड टाइम है ना मतलब जो बहुत अनकही कहानियां थी यू you नो know, बहुत अनसुनी कहानियां थी उसको इस बुक के माध्यम से वो लोग बाहर लेकर आए हल्दी घाटी की कहानी बहुत अच्छी है ट्रू हाँ जी या आगे देखो नेक्स्ट लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग बाई वेंकैया नायडू सो बेसिकली ये बुक वेंकैया नायडू ने लिखी जिसको वापस से रिलीज किसने किया अमित शाह ने किया होम मिनिस्टर अच्छा ये किसके बारे में बात करें दिट्स टॉक्स अबाउट दोज पब्लिक एंगेजमेंट्स विच अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज डन राइट तो बहुत सारी जगह जहां पर ये जाते हैं मिलते हैं लोगों से इनाग्रेशन uh, के लिए जाते हैं सेरिमोनियल एक्टिविटीज के लिए जाते हैं राइट right? तो उसके लिए उसके उनके एक्सपीरियंसिस जो थे उसके ऊपर ये किताब लिखी गई देखो जरा द बुक कैप्चर्सिट्स थ्री थर्टी पब्लिक एंगेजमेंट अक्रॉस कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड है ना so, जो जो उन्होंने अलग अलग जगह पर पब्लिक एंगेजमेंट किए उसके बारे में ये बुक लिखी गई अच्छा आगे पिनी बाय आदिशंकर बुक बेसिकली इसमें बस आप ये लाइन पढ़ लोगे ना तो आई थिंक आपको समझ में आएगा प्रश्नोत्तर रत्नमलिका यू मीन बाय प्रश्नोत्तर रत्नमलिका मतलब एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूरी की पूरी और जो श्लोक होते हैं ना अलग कहावत होती है बेसिकली नॉट श्लोक कहावत जो होती है राइट right, होती है बहुत पॉपुलर उसको एक्सप्लेन करते हुए ये बुक लिखी गई है है ना विवेका दिपेनी हाँ चलिए एक बार रीड करते हैं इसके बारे में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू रिलीज अ बुक टाइटल विवेकादिपे अ कंसाइज बुक ऑफ एफोरिज्म मतलब जो कहावत होती है ऑन सेवेंथ ऑफ जुलाई टू सेकेंड पैराग्राफ देखिए विवेकादीपनी इज अ समरी ऑफ प्रश्नोत्तर रत्न रत्नमलिका रिटर्न आदि शंकराचार्य द बुक इज प्रश्नोत्तर रत्न मलिका राइट तो क्वेश्चन आंसर सीरीज के फॉर्म में पूरी की पूरी बुक है अलग अलग कहावतें हैं और उसको एक्सप्लेन किया ना किया गया दिस इज ट्रांसलेटेड इन टू टेन लैंग्वेजेस दस अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको रिलीज किया गया तो है बहुत छोटे छोटे से पॉइंट सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है चलो भाई आगे आ जाओ जल्दी से स्पोर्ट्स अब ये देखते हैं इसमें कुछ पार्ट तो खैर आपको पता होगा कुछ शायद आपके लिए नया होगा स्पोर्ट्स या आज अपना अगर हो गया तो कल अपनी लैंग्वेजेस और नेशनल सिंबल पढ़ा दूंगा आपको हाँ आई थिंक अवार्ड्स ऑनर्स और बात है दो से तीन दिन का पोर्शन बचा हुआ है अपना है ना मतलब इस वीक में अपना पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा चलिए फटाफट फड़ देखते हैं। हाँ बोरिंग तो है अब क्या करने का बताओ इसमें तो क्या करेगा कोई इंसान कुछ कर ही नहीं सकता है, तो जो है वैसे ही पढ़ना है अपने को एज इट इज और ऐसे कोई बैकग्राउंड भी नहीं है यार आपको थोड़ा सा आपको बता दूं पर ऑप्शन ही नहीं है चलो लेट्स सी दिस नाउ एक बार जल्दी से पढ़ते रहते हैं या वर्ल्ड गेम अथलीट ऑफ द ईयर अवॉर्ड है ना सो so बेसिकली किसे मिला दिस वॉज गिवन टू रानी रामपाल क्विक फैक्स है फटाफट फटाफट देखते हैं ना बहुत सिंपल सिंपल सा ये वैसे सो so, किस को मिला वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड रानी रामपाल को मिला है न uh, किस चीज के विए? देखो सर शी बिकेम द फर्स्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड है ना वोटिंग uh, होती है इसकी और वोटिंग में शी वॉज सेलेक्टेड सो रानी रामपाल को बेसिकली ये अवार्ड मिला है केबीसी में भी आई थी रानी रामपाल शी बिकेम द फर्स्ट हॉकी प्लेयर हु वॉज बेसिकली गिवन दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड एज वर्ल्ड गेम अथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड है ना बस ये इतना ही ध्यान रखना है आपको इसके अंदर बाकी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है चलो आगे यहाँ से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेंगे यार कहीं से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन का तो कोई आंसर ही नहीं है मतलब कहीं से भी पूछ सकते हैं पर uh, मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको सारे दे दिए है ना उसके आगे मेरे हिसाब से बुनना भी मुश्किल है मतलब हर लाइन के ऊपर क्वेश्चन है वो एक बार आप जरूर रीट कर लीजिए जो सॉन्ग आपने एग्जीक्यूटिव मिडनाइट सीरीज में गया था दैट वॉज रियली गुड अरे थैंक यू सर आज भोजपुरी सॉन्ग अच्छा सर जरूर 2019 स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसको मिला विराट कोहली वन मैन शो बिल्कुल क्लीन आदमी है दूसरा रोहित शर्मा को भी कुछ मिला देखो रोहित शर्मा ऑल्सो ऑनर विद आई सी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 सो इन दोनों को ये अवार्ड मिले स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड वॉज गिवन टू विराट कोहली और रोहित शर्मा को अवार्ड मिला आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 है ना आगे आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 कौन जीता एवरी वन नोज रहना सो इंग्लैंड बेसिकली वन दैट मैच इन अ वेरी टाइट सिचुएशन विथ न्यूजीलैंड सुपर ओवर हुआ फिर वो बैट से बॉल अड़के बाउंड्री पे चली गई और दैट इज हाउ इंग्लैंड वन द मैच मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था यार पूरा के पूरा चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग था सो so, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 वाज वन बाय इंग्लैंड अब सिर्फ इंग्लैंड ध्यान रख लेना ये बाकी पूरी कहानी नहीं भी पढ़ी तो चल जाएगा इंग्लैंड वन द वर्ल्ड कप आगे कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है ना ये देखो अब जरा क्या है सी डब्ल्यू जी अच्छा सी डब्ल्यू जी जब भी आता है ना तो अपने दिमाग में वो सी डब्ल्यू जी स्कैम ही आता है पूरा के पूरा जब फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली uh, में हुए थे उसके बाद फिर पुणे में हुए थे पूरा के मैंने एक स्टेडियम बनाया था है ना सुरेश कलमाड़ी वॉज वेरी डीपली इन्वॉल्व इन ऑल दोज एक्टिविटीज एंड लेटर ऑन इट वॉज स्टेबलिश दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन लॉड ऑफ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज इन सी डब्ल्यू जी तो कॉमनवेल्थ uh, अच्छा सी किसी भी स्पोर्ट का मेन पर्पज क्या होता है इट ब्रिंग्स यू टूगेदर राइट और स्पोर्ट आपको हाउ टू कम आउट ऑफ अ लूजिंग सिचुएशन ये आपको सिखाता है राइट right? एटलीस्ट आपको स्पिरिट सिखाता है हारने का स्पिरिट सिखाता है कि अगर हार जाऊं तो ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ खत्म हो गई माई लाइफ स्टिल गोज ऑन राइट तो दैट वे स्पोर्ट इज वेरी अमेजिंग थिंग अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने एक्चुअली खेलने जाते हो मेरा तो अब थोड़ा जाके कम हो गया अदरवाइज यार आउटडोर तो इट्स फन यार मतलब बाहर जाओ लोगों से मिलो टीम बनाओ और ग्राउंड पे खेलने का मजा ही अलग है फोन पर आप ठीक हो टुक 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 कर खेलते हो लेकिन इतना मजा नहीं ग्राउंड पर खेलने की बात ही अलग है तो Uh, यहां पर भी सेम सेंट्रिक सेम ऑब्जेक्ट है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स भी बेसिकली किसलिए आए थे ये इसलिए आए थे कि आप सारे देशों को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ देर इज एक्सचेंज ऑफ पीपल एक्सचेंज ऑफ कल्चर एक्सचेंज ऑफ रिलेशन सारी की सारी चीजें हम जानते पहचानते एक दूसरे देशों के बारे में राइट right? ये हमेशा स्पोर्ट का पर्पज होता है देखो जरा सो सी डब्ल्यू जी गेम्स फेडरेशन दर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है ना सो उसकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी जो ये सब मैनेज करती है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन सीजेएफ ये इसको मैनेज करते हैं सारी चीजों को देखो सर एंड इनका डिलीवरिंग ऑन द विजन ऑफ कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स मूवमेंट टू ब्रिंग पीसफुल सस्टेनेबल एंड प्रोस्परस कम्युनिटीज ग्लोबली बाय इंस्पायरिंग कॉमनवेल्थ एथलीट्स टू ड्राइव द इम्पैक्ट एंड बहुत सारी कहानी दी हुई है जरूरत हैं कहाँ पर हेडक्वार्टर है यूके है ना सो so स्टार्ट कहां से हुआ था यूके से और कितने नेशंस है इसके जो मेंबर्स हैं 71 सो so इतने देश साथ में खेलते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स अच्छा अपने आप आप इंडिया में देखोगे ना तो क्रिकेट का डोमिनेंस इतना है ना फुटबॉल हॉकी वॉलीबॉल बैडमिंटन टेनिस राइट कबड्डी तो कबड्डी तो खैर प्रो कबड्डी के बारे में कारण थोड़ा सा पॉपुलर हो गया बाकी इन गेम्स में आप ऐसे देखोगे लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं बहुत ही छोटी ऑडियंस है जो बाकी सब स्पोर्ट देखती है फॉलो करती है फुटबॉल हैपन्स टू वी वेरी इंटरेस्टिंग गेम है बट पीपल डोंट वॉच इट क्योंकि अपने आप एक क्रिकेट मतलब भगवान तो और क्रिकेट इज मतलब भगवान एंड क्रिकेट मतलब एक धर्म है अपने आप पे तो अब देखने को ही नहीं मिलता बाकी लोग खैर कुछ फॉलो ही नहीं करते हाँ जी सो तो ये इसमें एक लाइन यह देखो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स विल भी होस्टेड बाय इंग्लैंड जुलाई से अगस्त में एट बर्मिंग है ना सो नेक्स्ट सी डब्ल्यू सी कहां पर होने इंग्लैंड खैर ये तो सब कैंसिल हो गया लास्ट ईयर कोविड की वजह से बट दे वर टू हैपन इन इंग्लैंड हाँ जी आगे ओलंपिक गेम्स अच्छा ओलंपिक्स चार पांच रिंग्स देखा ही होगा आपने रीड अबाउट दिस ओलंपिक्स बेसिकली है जापान कनेक्शन ओलंपिक्स हाजी फिफ्टी सिक्सर है ओलंपिक समर एडिशन फॉर द सेकंड टाइम फ्रॉम ट्वेंटी फोर्थ जुलाई टू नाइन्थ ऑगस्ट टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी एवरीथिंग कैंसल ना ओलंपिक्स वगैरह सभी हाजी हाइड एंड सी को भी नेशनल गेम डिक्लेयर कर देना चाहिए या चलो सो बेसिकली इस टाइम में जापान वॉज टू यू नो टेक केयर ऑफ द ओलंपिक गेम्स अच्छा अब इसमें क्या पढ़ने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं मेन ये देखो यही वाला पॉइंट जो मैंने रेड में हाईलाइट किया ना बस ये इंपॉर्टेंट है उसके पहले का तो वो पूरी हिस्ट्री दी हुई है पढ़ा तो भी ठीक नहीं पढ़ा तो भी ठीक ये लाइन पढ़ना जापान हैज बीन एन ओलंपिक लैंड सिंस द समर गेम्स ऑफ 1964 सिक्सटी फोर विच वर द फर्स्ट टू बी स्टेज इन एशिया है सबसे पहले एशिया में कहां पर स्टार्ट हुए थे जापान में एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट so, right? है इन 2020 थाउजेंड ट्वेंटी द कंट्री विल होस्ट इट्स फोर्थ गेम्स इफ यू इंक्लूड द विंटर गेम्स ऑफ नाइनटीन सेवनटी टू इन सपोरोन नाइनटी एट इन नागानो सो फोर्थ टाइम जपैन विल बी होस्टिंग दीज इवेंट्स राइट फोर्थ टाइम होस्ट करेंगे लोग और ठीक है आगे पढ़िए विंटर ओलंपिक गेम्स है ना 2022 कहां पर होंगे चाइना अपन नहीं जाएंगे या हैविंग वन द बिट फॉर द 2022 ट्वेंटी टू ओलंपिक विंटर गेम्स इन ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई टू दूसरे दो हजार पंद्रह में जो ओलंपिक्स हुए थे भाई साहब यू शुड हैव आई डोंट नो आपने कभी उसकी ओपनिंग सेरेमनी देखी नहीं देखी है बट वो जिस लेवल पे उन लोगों ने ओपन किया था ना दैट वाज ग्रैंड मतलब मैं तो सोचता था कि इंडिया को और तीस साल लग जाएंगे इस लेवल की ओपनिंग करने में क्रेज़ी था वो तो बीजिंग इज सेट टू बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बट एनी वे थ्रू होस्टेड बोथ द समर एंड विंटर एडिशंस ऑफ द ओलंपिक गेम्स है ना सो so, ये देश दुनिया की पहली कंट्री बन जाएगी जो समर विंटर एडिशन्स दोनों के दोनों होस्ट करेगी पूरा के पूरा और इसमें क्या पढ़ना है या हंड्रेड एंड नाइन इवेंट्स इन सेवन ओलंपिक विंटर स्पोर्ट्स विल बी हेल्ड इन द थ्री कॉम्पिटिशन जोन्स ऑफ बीजिंग एंड की तुम खुद पढ़ लेना है ना समझ में आए तो प्लीज मेरे को भी सिखा देना तो ये अजीब टाइप के नाम है इन सिटीज में 109 इवेंट्स बेसिकली चाइना होस्ट करेगा चलो बस ये स्पोर्ट वाला आज खत्म कर लेते हैं उसके बाद तुम भाग जाओ नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रोग्राम है ना <coughs> तो बेसिकली स्पोर्ट को और पॉपुलर करने के लिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने बेसिकली एक प्रोग्राम रन किया जिसके थ्रू वो लोग और अवेयरनेस बढ़ाएंगे स्पोर्ट के बारे में स्पोर्ट को लेकर और मेन पर्पस ये सी कि बस जैसे इंडिया में आप ऐसे देखो ना हर गली मोहल्ले में टैलेंट है अपने यहाँ पर अभी आईपीएल की वजह से इतने सारे नए नए क्रिकेटर्स अपने सामने आए मतलब आज इंडिया की दो क्या तीन टीम्स भी आप बनाते हो तो फुल फ्लेजेड तीन टीम्स बन सकती है इतना पोटेंशियल है आज की डेट में अपने यहाँ पर बट पता ही नहीं किसी को है ना वी आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स है ना या तो आ, उसको और रिवाइव करने के लिए इस तरीके के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रोग्राम आई डोंट नो इसका फायदा किसको मिलेगा पर ठीक है बोल रहे हैं तो मान लो चलो आगे कपिल देव टू बी द फर्स्ट चांसलर ऑफ राय स्पोर्ट्स यूनिवर्स इसमें नीचे अगर कुछ नहीं भी पढ़ोगे इट इज एप्सोल्यूटी फाइन सिर्फिंग ही देख लेना बस यही इसका क्रक्स है आप नीचे पढ़ोगे भी ना तो आपको कंक्लूजन यही मिलेगा कपिल देव विल बिकम द तो फर्स्ट चांसलर ऑफ राइस स्पोर्ट्स so यूनिवर्सिटी यही कहानी पूरी नीचे दी हुई है है ना और क्या बोल रहे हैं भागेंगे नहीं आज आप सॉन्ग सुनाओगे अरे यार बहुत गजब दादागिरी तुम लोग ये साल चमकाते हो मेरे को गॉड ऑफ सील ऑफ विकास सर <laughs> अरे थैंक यू सर हाँ जी सो so कपिल देव विल बिकम द फर्स्ट चांसलर ऑफ राइस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बस इतना ही ध्यान रखना इसके बाकी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है है इन द लास्ट पॉइंट पीवी सिंधु इन्होंने गोल्ड जीता था है ना तो पहले तो सब लोगों ने <coughs> यूएस क्रिकेट क्यों नहीं खेलता सर यू एस में क्रिकेट हुआ भी था अगर आपको याद हो मतलब यूएस में क्रिकेट पॉपुलर करने के लिए आ, वो पूरी एशिया वर्सेज वर्ल्ड इलेवन हुआ था अगर आपको याद हो तो बट देर मोर इन टू बेसबॉल यार वहाँ पर बेसबॉल की बहुत क्रेजी फैन फॉलोइंग है सो देर मोर इन टू बेस बॉल देर नॉट इन टू क्रिकेट या yeah. हा जी सो पी वी सिंधु ये पी इधर से उड़ गया पी लिख लेना भाई पीवी सिंधु शी बिकम शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बी डब्ल्यू एफ वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना उन्होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा ये तो नाम से ही हार गई भाई इन जस्ट थर्टी एट वन साइड फाइनल ऑन ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइनटीन सो पी वी सिंधु वन गोल्ड एट बी डब्ल्यू एफ वर्ल्ड चैंपियनशिप दैट्स इट यार बाकी अब बस ये लैंग्वेज अपन कल से स्टार्ट कर देंगे लैंग्वेज ये वाला पार्ट और अवार्ड्स कल ये अवार्ड्स तक खत्म करना है भाई दो दिना कल और परसों आई थिंक वी शुड बी एबल टू फिनिश इट दो दिन में हो जाएगा सॉन्ग गाने क्या कल बोला था चलो भैया कल मिडनाइट सीरीज में हरीश सर कह रहे थे आप आम हैं और चिराग सर कैरी तारीफ कर रहे थे आपकी <laughs> आम और कैरी <कह> क्या <laughs> चल ठीक है मतलब टेस्ट तो मेरा ही है ना फिर ठीक है चलो गाना गाओ ना गाना गा देता हूँ बस <laughs> आहा, आहा, आहा। कौन सा गाँव हाँ यार ये वाला गा देता हूँ मैं अभी खैर एकदम लेटेस्ट ही है यार सबसे ज़्यादा हिट ही चल रहा है क्या उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली है ना वो आता है मेरे को वही वाला गा दूँ चल जाएगा ना मराठी नहीं आता मेरे को यार मेरी मराठी बहुत फनी है लोग हंसते में मराठी बोलता हूं तो <coughs> <coughs> चलो भाई जिसको आता साथ है साथ में गुनगुनाना ना <coughs> मैंने जब देखा था तुझको रात भी वो याद है मुझको तारे गिनते गिनते सो गया दिल मेरा धड़का था कसके कुछ कहा था तूने हंसके हंस के मैं उसी पल तेरा हो गया ओ आसमानों में जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है चांद ये हर रोज में देखू तेरे साथ में हाँ उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया लुट गए हम तो पहली मुलाकात में थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई कसम से बोलो मेरे गानों को इतना भाव यहीं पे ही मिलता है <laughs> मैं घर में गाऊ ना तो लोग बोलते चुप हो जाए यार बहुत बकवास कर रहा है इतनी देर से परेशान कर रहा है गाने को जबरदस्ती में तुम ही लोग हो भाई जिनको ना कद्र है मेरी मतलब हीरे कद्र जोहरी को ही होती है तुम ही लोग असली हो भाई बाकी तो सब घटिया है साले कटरीना सामने से प्रपोज कर दी बस यही चाहिए भाई <laughs> <laughs> थैंक यू थैंक यू थैंक यू थांक चलो जी कटरीना मान जाएगी ना बस भाई दुआ करते रहना मैं तुम्हारी सीएसईडी के लिए दुआ करोगे तुम कटरीना के लिए दुआ करना हम कटरीना मतलब कटरीना मेरी हो जाए उसके लिए हा इतनी नेगेटिविटी में यू पीपल आर स्प्रेडिंग सो मच पॉजिटिविटी थैंक यू सभ्यता थैंक यू सो मच चलिए गॉड ब्लेस ऑल द बेस्ट आई सी यूल टूम लक्स ऑफ लाफ टेक केयर बाय <laughs> सुकून मिला थैंक <laughs> यू